ओके, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो कैलकुलेट कर चुके थे वो एन कैलकुलेट कर चुके थे और एन इज इक्वल टू निकला था 1/4 ए स्क्वायर 3√2 माइनस लॉग 1+√2। ओके, और हमारे पास फार्मूला था एक्स बार निकालने के लिए, इंटीग्रेशन एक्स डी एस डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, एंड वाई बार का फार्मूला था इंटीग्रेशन वाई डी एस डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, यानी ये दोनों इंटीग्रेशन सेम है आर्क लेंथ। ओके, और मेरे पास एन जो मैं मान चुका था, एन मान चुका था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एस यानी इसका नोमिनेटर वाला पार्ट। ओके, और डी एस जो मान चुका था, डी एस बराबर था मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। ओके, तो मेरे पास एक्स बार जो बन चुका था बेटा वो बना था एन अपॉन डी, यानी इसकी वैल्यू डाली मैंने जो कि एन है, इसकी वैल्यू डाली जो कि डी है। नाउ मैं डिनोमिनेटर कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट डी इज इक्वल टू है, इंटीग्रेशन निकालना है मेरे को डी एस। ओके, अब देखो बेटा, यानी मेरे को कैलकुलेट करना है टोटल आर्क लेंथ। ध्यान से देखना, आर्क लेंथ यहाँ से बनना शुरू हुई और आर्क लेंथ बनते 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 एक्सटर्माइटी ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ तक बनी। ओके, ये वर्टेक्स है, ये एक्सटर्माइटी ऑफ लेटस रेक्टम यानी नाभिलंब का सिरा, वर्टेक्स से शीर्ष से नाभिलंब का सिरा। ओके, और यहाँ जो है एस की जो लिमिट हुई, आर्क लेंथ की टोटल जो लिमिट हुई जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ तक गया वो हुआ 0 to 2a, वही लिमिट मैंने ली 0 to 2a इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया और ऐसे चेंज किया बेटा, इसको डी एक्स या डी वाई के अंदर चेंज कर, इसको डी एक्स या डी वाई यानी वेरिएबल एक्स या वेरिएबल वाई के अंदर मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 0 to 2a, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये हुआ मेरे पास डी एस ओवर डी वाई इंटू डी वाई। ओके, अब जब वेरिएबल डी वाई आ चुका तो जाहिर सी बात है लिमिट जो रखी जानी है वो वेरिएबल वाई की रखी जानी है। और यहाँ से देखो बेटा वाई की लिमिट, ओके, यहाँ से देख लो आप, यहाँ यानी वेरिएबल वाई है, वाई की लिमिट अगर आप भाई इस पार्ट का आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, ये वाला पार्ट, ओके, वाई यहाँ से स्टार्ट हो जाए या यहाँ से स्टार्ट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई यहाँ भी जीरो है, वाई यहाँ भी जीरो है, वाई अगर यहाँ से स्टार्ट होता है वाई कहाँ तक जाता है 0 to 2a तक गया। ओके, इस बेस पर भी ये लिमिट 0 to 2a हुई। ओके, आगे चलते हैं, चूँकि मेरे पास डी एस ओवर डी वाई इज इक्वल टू जो है बेटा वो है, अभी वैल्यू डालता हूँ और देखता हूँ कितना है, डी एस ओवर डी वाई आपके सामने रहेगा, डी एस ओवर डी वाई 1/2a वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इन अंडर रूट के अंदर। डी एस ओवर डी वाई कितना है बेटा 1/2a अंडर द रूट वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ओके, आगे चलते हैं, मैंने वैल्यू डाली और d की वैल्यू कैलकुलेट की, d बराबर मेरे पास बना इंटीग्रेशन 0 to 2a डी एस ओवर डी वाई की वैल्यू 1/2a इंटू अंडर द रूट वाई स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इंटू डी वाई। ओके, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है बेटा, मैंने इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा दिया, 1/2a तो बाहर आ चुका, d बराबर मेरे पास बना 1/2a तो बाहर, और ये हुआ डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाने से वाई अपॉन टू अंडर द रूट वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन टू, a स्क्वायर अपॉन टू का मतलब 4a स्क्वायर अपॉन टू। ओके, और ये हुआ लॉग y प्लस अंडर द रूट 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ओके, कितना हुआ वाई स्क्वायर प्लस के 4a स्क्वायर, और लिमिट है 0 to 2a, नो प्रॉब्लम, देखो आपको दिख जाएगा।
थोड़ी सी ये मिस्टेक हो रही है, 0 to 2 है। ओके आगे चलता हूँ बेटा, यानी d बराबर जो मेरे पास निकला वो ये निकला, दोबारा लिख रहा हूँ, 1/2 है वाई अपॉन टू अंडर द रूट वाई स्क्वायर प्लस 4a² प्लस 4a² अपॉन टू लॉग ऑफ वाई प्लस अंडर द रूट वाई स्क्वायर प्लस 4a² और लिमिट है 0 से 2a। क्लियर है ना? आगे देखते हैं भाई क्या होता है। जहाँ तक आपको कोई आपत्ति कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। तो d इज इक्वल टू, जब मैं लोअर लिमिट रखूँगा इसके अंदर या अपर लिमिट रखूँगा, 1/2a, तो ये हुआ y, अपर लिमिट डाली ये हुआ 2a/2, y की वैल्यू 2a/2 इंटू अंडर द रूट y स्क्वायर की जगह कितना हुआ 2a² प्लस 4a² प्लस इससे ये कैंसिल 2a² log of कितना हुआ भाई, ये हुआ 2a प्लस अंडर द रूट 4a² प्लस 4a² ये तो हो गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट की बात कर लेते हैं, y की वैल्यू 0 डालते ही सारा 0। ओके यहाँ वैल्यू डाली, जब y की वैल्यू यहाँ डालूँगा ये 2 भी है, कितना होगा भाई ये होगा डायरेक्ट 2a² यानी 2a² log of, जब y की वैल्यू 0 डाली कितना निकला ये तो 0 अंडर द रूट, y की वैल्यू 0 डालते ही 4a² आपके सामने है। ओके नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। यानी यहाँ से मेरे पास d का जो रिजल्ट निकला, d बराबर हुआ, अगले पेज पर लिखता हूँ, d बराबर कितना निकला बच्चों, वन अपॉन टू ए डी इज इक्वल टू 1/2a 2a/2 अंडर द रूट 4a² प्लस 4a² प्लस 2a² लॉग ऑफ 2a प्लस अंडर द रूट 4a² प्लस 4a² माइनस 2a² लॉग अंडर द रूट 4a² ये रिजल्ट बना मेरा। ओके जो मैं ये लिखा था इसको मैंने दोबारा लिख लिया यहाँ पे। ओके आगे चलते हैं। तो d बराबर जो मेरे पास निकल कर क्या बच्चों, अब देखता हूँ क्या बनता है। d बराबर हुआ 1/2a, इससे ये कैंसिल, ओके a तो हुआ ये इंटू 4a² 8a² 8a² का मतलब है a इंटू 2 अंडर द रूट 2, क्लियर, प्लस 2a² log 2a प्लस 8a² का मतलब है 2a अंडर द रूट 2 आपके सामने है, माइनस 2a² log 4a² का मतलब है log 2a आप। ओके आगे चलता हूँ। तो d इज इक्वल टू बना
वन अपॉन टू ए तो ये हुआ, और टू इंटू ए स्क्वायर यानी टू ए स्क्वायर अंडर द रूट टू प्लस टू ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, टू ए स्क्वायर कॉमन लॉग के अंदर बचा टू ए प्लस टू ए अंडर द रूट टू माइनस लॉग टू ए। इसके ऊपर लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई की, देखता हूँ कितना निकलता है डी की वैल्यू। तो डी बराबर हुआ वन अपॉन टू ए, और ये हुआ बेटा टू ए स्क्वायर अंडर द रूट टू प्लस टू ए स्क्वायर लॉग ऑफ टू ए प्लस टू ए अंडर द रूट टू बटे टू ए। ओके, टू ए स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, मैंने फिर कॉमन ले लिया। डी बराबर हुआ ऊपर से टू ए स्क्वायर कॉमन बटे टू ए, यहाँ मेरे पास बचा अंडर द रूट टू प्लस लॉग, ध्यान से देखना के अंदर मैंने टू ए कॉमन ले लिया, वन प्लस अंडर द रूट टू बटे टू ए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये पावर कैंसिल, यानी डी बराबर जो मेरे पास निकला ए अंडर द रूट टू प्लस लॉग वन प्लस अंडर द रूट टू। ओके, नो प्रॉब्लम। अब एक्स बार की बात करता हूँ भाई, लाओ ध्यान से देखना है। एक्स बार इज इक्वल टू, ये है मेरे पास फार्मूला, एक्स बार का फार्मूला है इंटीग्रेशन, ये देखो आप सीधा एन अपॉन डी, एक्स बार की वैल्यू है मेरे पास एन अपॉन डी, एन की वैल्यू पहले से ही मेरे पास आ चुकी है, तो एक्स बार कैलकुलेट कर रहा हूँ। नाउ एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार इज इक्वल टू एन अपॉन डी, और एन इज इक्वल टू कितना निकला हुआ है भाई देखो आप, एन इज इक्वल टू है मेरे पास ए स्क्वायर अपॉन फोर थ्री अंडर रूट टू माइनस लॉग वन प्लस रूट टू। ओके, कितना है एन की वैल्यू, ए स्क्वायर अपॉन फोर थ्री अंडर द रूट टू माइनस लॉग वन प्लस रूट टू माइनस लॉग वन प्लस अंडर द रूट टू। ओके, तो अब देखता हूँ भाई एक्स बार कितना निकला है यहाँ से, तो एक्स बार इज इक्वल टू हुआ मेरे पास एन अपॉन डी, एन की वैल्यू डाली ए स्क्वायर अपॉन फोर, और ये हुआ थ्री अंडर द रूट टू माइनस लॉग वन प्लस अंडर द रूट टू। ओके, और इसके बटे में हुआ कितना, ए अंडर द रूट टू प्लस लॉग वन प्लस अंडर द रूट टू। ओके, तो जाहिर सी बात है इस ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा और ये बटे में ही रहेगा। आपके पास एक्स बार का जो रिजल्ट निकल करके आया वो ये निकला बेटा, अगले पेज में यही लिख रहा हूँ मैं, एक्स बार इज इक्वल टू हुआ, देखना आप ध्यान से, ए अपॉन फोर तो हुआ ये, ए से तो ए कैंसिल हो चुका, एक्स बार इज इक्वल टू हुआ आपके पास, एक्स बार इज इक्वल टू ए अपॉन फोर, ए अपॉन फोर ऊपर बचा मेरे पास कितना है थ्री अंडर रूट टू माइनस थ्री अंडर द रूट टू माइनस लॉग वन प्लस अंडर रूट थ्री माइनस लॉग वन प्लस अंडर द रूट टू सॉरी बटे, इसके बटे में कितना बचा अंडर द रूट टू प्लस लॉग वन प्लस रूट टू वन प्लस अंडर द रूट टू। ओके, ये तो हुआ आपके पास एक्स बार, एक आंसर तो आपके पास ये आ चुका। अब मैं बात करता हूँ वाई बार की, लाओ
वाई बार का जो फार्मूला है बेटा वो है इंटीग्रेशन, ध्यान से देखना है आपको, वाई डी एक्स सेम है, वाई डी एस अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस तो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, सपोज दैट, फिर उसी तरीके से सपोज कर रहा हूँ, सपोज दैट ऊपर वाले को फिर मैंने एन मान लिया, एन इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन वाई डी एस एंड डी इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन डी एस, सो दैट, पहले डी की बात करता हूँ, सो दैट, क्योंकि ये मैं कैलकुलेट कर चुका, डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस बराबर कितना है भाई, देखो आप इंटीग्रेशन ऑफ डी एस की बात करता हूँ, ये देखो आपके सामने रखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ डी, ये देखो यहाँ से निकाला था मैंने, आपके सामने है डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। ओके, ये वाला रिजल्ट इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, और इसकी वैल्यू मेरे पास आ रखी है ये वाली, अर्थात इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास निकला डी एस इज इक्वल टू, डी इज इक्वल टू कितना निकला हुआ है भाई, ये निकला हुआ है ए अंडर द रूट टू प्लस लॉग वन प्लस अंडर द रूट टू, इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही कैलकुलेट हो रखा है। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन ए। ओके, अब मैं कैलकुलेट करूँगा एन, नाउ एन इज इक्वल टू हुआ मेरे पास इंटीग्रेशन वाई डी एस, वाई इंटू डी एस को लिखा डी एस ओवर डी वाई इंटू डी वाई। ओके, बराबर ध्यान से देखना है, इंटीग्रेशन डी एस ओवर डी वाई की फिर वैल्यू डाल रहा हूँ, आपके सामने है कहीं ना कहीं तो लिखी हुई होगी, पीछे जाना पड़ रहा है बार बार, बहुत लेंथी क्वेश्चन है यार, डी एस ओवर डी वाई, डी एस ओवर डी वाई ये है वन अपॉन टू वाई स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर। ओके, डी एस ओवर डी वाई वन अपॉन टू वाई स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर, ये तो हुआ वाई इंटू अंडर द रूट वाई स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर इंटू डी वाई। ओके, और वाई इज इक्वल टू कितना है बच्चों मेरे पास, यहाँ तक आपको कोई भी किसी भी तरह की आपत्ति मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। आगे देखता हूँ, एक बात और भी है, फिर आप कहोगे कि सर ये क्या बता दिया आपने, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ये वाई है इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है वाई की लिमिट यहाँ से यहाँ तक लेनी है, वाई वाली लिमिट देखनी है, वाई की लिमिट ज़ीरो टू टू है। ओके, मैंने लिमिट डाली, कितनी हुई मेरे पास लिमिट, ज़ीरो से लेकर टू ए तक, नो प्रॉब्लम, चलते हैं आगे की तरफ। तो ये वाला सीधा सीधा भाई और अपॉन टू ए बी है यहाँ पे। ओके, तो ये मेरे पास निकल गया बच्चे भाई, ये वन अपॉन टू ए तो बाहर है, इंटीग्रेशन ज़ीरो टू टू ए अंडर ये हुआ वाई इंटू अंडर द रूट वाई स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर इंटू डी वाई, मैंने यहाँ दो से गुणा और दो से भाग कर दिया। ओके, तो एन इज इक्वल टू दो से गुणा और दो से भाग कर रहा हूँ, वन अपॉन टू ए गुणा वन अपॉन टू दो से भाग, और ये हुआ मेरे पास टू वाई दो से गुणा अंडर द रूट वाई स्क्वायर माइनस, सॉरी ये प्लस है बेटा, ये प्लस है वाई स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर इंटू डी वाई। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ, मैंने क्या किया, सपोज दैट वाई स्क्वायर प्लस के फोर ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से कितना निकल गया टू वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी,
आपके सामने है, वैल्यू डाली मैंने, एन इज इक्वल टू जो हुआ ये निकला 1/4 a, तो ये निकल गया बेटा, और इंटीग्रेशन हुआ, लिमिट चल रही है 0 to 2 a, यहाँ तक 0 to 2 a, अभी लिमिट चेंज नहीं कर रहा हूँ, 0 to 2 a ही रख रहा हूँ, 2y dy की वैल्यू हुई dt इंटू अंडर द रूट t, अब मैं लिमिट चेंज करूँगा इसकी, ओके आगे चलते हैं। मेरे पास यहाँ से जो निकल करके आ बेटा, n इज इक्वल टू हुआ, n इज इक्वल टू हुआ 1/4 a इंटीग्रेशन अंडर द रूट टी इंटू डी टी, एंड मैंने क्या माना था भाई, वाई स्क्वायर प्लस 4a² इज इक्वल टू मैंने t मान रखा था। लिमिट की बात कर लेते हैं, अब लिमिट 0 to 2 a है, ओके लिमिट कितनी है भाई, 0 to 2 a, जब लिमिट है मेरे पास 0 to 2 a, जब y इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू कितना निकल गया बेटा, t इज इक्वल टू हुआ 4a², जब y इज इक्वल टू कितना है, सेकंड लिमिट 2a आपके सामने है, जब y इज इक्वल टू कितना है 2a, ये देखो आप, अब लिमिट देखता हूँ 2a, तो t इज इक्वल टू हुआ वाई स्क्वायर की वैल्यू 4a² 8a² वाई स्क्वायर 4a² प्लस 4a² टी इज इक्वल टू 8a², ओके तो यहाँ से मेरे पास निकला बेटा कितना हुआ भाई, 4a² से 8a² तक, नो प्रॉब्लम। तो n बराबर हुआ 1/4 a और यहाँ निकला, जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा एक बार लिख दूँ, 4a² से 8a² टी की पावर 1/2 इंटू डी टी, ओके ये मेरे पास निकल गया 1/4 a टी की पावर 3/2 / 3/2, क्लियर। और ये हुई मेरी लिमिट 4a² से 8a² तक, आगे चलता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास जो n की वैल्यू निकल करके आई भाई, n इज इक्वल टू ये तो ऊपर पहुँच गया 2/3 × 4a और ये लिमिट हुई t³ और यहाँ हुआ 4a² और ये हुआ 8a², ओके आगे की तरफ चलता हूँ भाई। 2 से ये ख़त्म, 2 और 3 दूनी 6, n इज इक्वल टू 1/6 a, ओके t की वैल्यू डाली 8a² - 3/2 - 4a² / 3/2, ओके इसको देखो बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से n इज इक्वल टू जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 1/6 a तो है ही, इसको लिखा जा सकता है बेटा 2 की पावर 3 / 2 * a² / 3/2 - 2 की पावर 2 / 3/2, आपको भी देख रहा है, देखो ध्यान से, किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं लगना चाहिए, ओके okay, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा आप इसको सिंपली सॉल्व करके देखो भाई, इस पावर से तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी, इस पावर से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, ओके okay, 2 की पावर 2 इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा यानी 2 की पावर 3 2 की पावर 9/2 जब मैं इसे सॉल्व करूँगा ये मेरे पास निकला बेटा, सीधा लिख रहा हूँ स्टेप, 4/3 a² 2 √2 - 1, ओके
फाइनल स्टेप ये निकलना है। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके देख लो, मैंने पहले से ही सॉल्व किया हुआ है इसलिए डायरेक्टली ये लिख दिया ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके नाउ मेरे को चाहिए है वाई बार। वाई बार का फार्मूला क्या है? इंटीग्रेशन वाई डी एस अपॉन इंटीग्रेशन डी एस बराबर कितना होगा? एन अपॉन डी। एक तो पहले से ही निकला हुआ है, पहले तो आप एन की वैल्यू देखो। y बार इज इक्वल टू एन की वैल्यू है मेरे पास 4 अपॉन 3 ए स्क्वायर 2 अंडर द रूट 2 माइनस 1 ओके डिवाइडेड बाई d का रिजल्ट देख रहा हूँ जो पहले निकाल चुका था मैं। d की वैल्यू कितनी थी? a अंडर रूट टू लॉग 1 प्लस अंडर रूट 2 बटे a अंडर रूट 2 प्लस लॉग 1 प्लस अंडर द रूट 2। एक ए से ए कैंसिल, ये मेरे पास बना y बार की वैल्यू। y बार इज इक्वल टू देखो आपके पास कितना बन रहा है, ये हुआ 4 अपॉन 3 या 4 ए 2 रूट 2 माइनस 1 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 बटे यहाँ हुआ ये 3 बटे में पहुँच गया इसके 3 लॉग 3 के बाद हुआ मेरे पास अंडर रूट 2 प्लस लॉग 1 प्लस अंडर द रूट 2 ओके ये होगा मेरे पास वाई बार। सेकंड आंसर ये। बहुत खतरनाक क्वेश्चन था यार, हालत ख़राब कर दी ये क्वेश्चन नहीं। ओके बच्चों अगर आपका कोई डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स के अंदर आप डायरेक्टली डालो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा। ओके कोई भी समस्या अगर आपकी फंस रही है मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। और दूसरी बात ये है बच्चों कोई भी अगर आपका टॉपिक है मेरे को वो भी बताओ। चलो ठीक है बाय।